हाँ तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मेरे पास नई वीडियो के साथ विद एंटोनॉमी क्रिएशंस। तो कैसे हैं आप लोग? तो गाइस अभी मैं आपको एक वीडियो बना के दिखाता हूँ जो इंट्रो वीडियो कहलाती है। जिसका भी नया चैनल होता है उसको लाजमी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, इंट्रो की लाजमी ज़रूरत पड़ती है, ताकि वो अपनी वीडियो को थोड़ा सा और खूबसूरत बना सके। और कभी कोई शॉर्ट वीडियोज़ वगैरह डालता है तो उसकी टाइमिंग ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए भी हमें ऐसी चीज़ चाहिए होती है। और अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए भी, अपने चैनल को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए भी एक इंट्रो की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपका चैनल कुकिंग का है, प्रॉपर्टी का है, या एडिटिंग का है, या किसी भी तरीके का आपका चैनल है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका भाई आपको सारी चीज़ें बताएगा, ए टू जेड बताएगा, इंट्रो कैसे बनाना है, कब बनाना है, कहाँ से बनाना है, फ्री ऑफ कॉस्ट, सारी चीज़ें फ्री में होंगी, सब कुछ प्रॉपर होगा। तो वीडियो पूरी देखना ताकि एक एक स्टेप समझ आ जाए, और अगर ना भी समझ आए तो कोई टेंशन नहीं है। कॉमेंट में क्लिक करो, आओ लिखो और बताओ कि यार ये चीज़ हमें समझ नहीं आई, ये चीज़ बता दो, तो आपको भी बताएगा ना, क्या टेंशन है, सब बताऊँगा। अब बात करते हैं कि करना क्या। तो सबसे पहले आपको कैपकट डाउनलोड कर लेना है, जो लिंक इन डिस्क्रिप्शन है, जाके डाउनलोड करो। और आपको बताया कि मेरी प्रीवियस वीडियो में जो मैंने लिंक डाला था वो किस तरीके से डाउनलोड हुआ था, बिल्कुल वैसा ही तरीका है। जस्ट लिंक पर क्लिक करोगे, ऑटोमेटिकली आपका एक व्हाट्सएप या कुछ भी इस तरीके का वो खुल जाएगा और वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। जब वो डाउनलोड हो जाए तो उसके बाद उसको इस्तेमाल कर लो। मैं इसलिए बोलता हूँ लिंक से डाउनलोड करो क्योंकि प्रीमियम होता है और फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो आराम से रिलैक्स होकर डाउनलोड करो विदाउट एनी वाटर मार्क, वरना प्ले स्टोर से करना कर लो, लेकिन बाद में मुझे गालियाँ वालियाँ कुछ भी मत देना। और अगर इंट्रो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि अभी तो यही है कि मेजोरिटी लोग नए आएंगे, जो नए आएंगे उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जो पुराने उनके लिए चुम्बेश्वरी। तो लाइक करना लाजमी, लेकिन पहले कंटेंट देखो, अगर पसंद आए तो करना, वरना कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। आपको फिर मेहनत करेगा, फिर कोई चीज़ लेकर आएगा। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन पर। हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले आपने अपना कैपकट ऑन कर लेना है। कैपकट ऑन करने के बाद अपना सारा डेटा जितनी भी तस्वीर आपको लगानी है वो कर लेना। मैं सजेस्ट करता हूँ 6-7 तस्वीरों से ज़्यादा मत लगाना, क्योंकि इंट्रो लंबा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आप देखो, सबसे पहले हम नीचे जाके अपना मेन चीज़ ढूंढेंगे जिसको कहते हैं फॉर्मेट। फॉर्मेट आपको यूट्यूब के हिसाब से रखना है, यूट्यूब के रखो, इंस्टाग्राम के हिसाब से रखना है, इंस्टा के रखो। मैंने यूट्यूब पर रखा है 16:9। अब एक प्रॉब्लम है कि तस्वीरें ये हैं, आपने इनको पकड़ के ड्रैग ड्रॉप करना है, मतलब जूम इन करना है अपने हिसाब से, और उनको प्रॉपर तरीके से एडजस्ट कर लेना अच्छे तरीके से, ताकि ये प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े कि यार क्रॉपिंग का इशू आ रहा है, इसका इशू आ रहा है, उसका इशू आ रहा है, तो उसको प्रॉपर तरीके से एडजस्ट कर लेना एक एक तस्वीर को आराम आराम से, अपना टेक योर टाइम और इसको तरीके से एडजस्ट कर लेना, ताकि प्रॉब्लम ना हो। जैसे मैं एक एक तस्वीर को कर रहा हूँ ताकि मुझे किसी तरीके का प्रॉब्लम ना हो आगे जाके, लाइक कि जब मेरा पूरा आउट्रो इंट्रो कंप्लीट हो जाए तो ये मेरे लिए नुकसान ना हो। ज़रूरी नहीं है कि तस्वीर आपकी लैंडस्केप ही होनी चाहिए। देखो मेरी पोर्ट्रेट इमेजेस हैं सारी, और मेजोरिटी फोटो एडिटिंग पोर्ट्रेट में होती है, तो मैंने ये वाली यूज़ की है। आपके ऊपर, अगर आपके पास लैंडस्केप है तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये यूज़ कर लेना। बस सारा गेम आता है एडजस्टमेंट पर, और किसी भी चीज़ का मसला नहीं होता। ठीक है, ये प्रोसेस यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। आप देखो मैंने इसको पूरा कर दिया। अब इसमें कुछ चीज़ें करनी है, लेंथ कम करनी है, ट्रांजिशन डालनी है, फेड डालना है, ये सारी चीज़ें हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता फर्दर चलते हैं। अब देखो सबसे पहले तो इनका साइज़ छोटा कर लो, क्योंकि अभी साइज़ ऑलरेडी इतना बड़ा है, लेकिन साइज़ से बेहतर है हम एक काम करते हैं, मैं गलती से इस पर क्लिक कर दिया, हम एक काम करते हैं, हम अपना स्टाइल में जाके इसका स्टाइल चेंज करते हैं। पहली इमेज का जो स्टाइल होगा वो पहला ही है, उसको आपने सेलेक्ट कर लेना ताकि ये आपकी इमेज पे आ जाए। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि ये वाला स्टाइल आपकी इमेज पे नहीं आता, क्योंकि वो क्या फॉर्मेट वो नहीं है जो हमें चाहिए, तो इसके लिए टेंशन वाली बात नहीं है, कोई तस्वीर आगे पीछे कर लेना ताकि वो फॉर्मेट हो जाए, क्योंकि सारा AI पे बेस्ड है तो अपने हिसाब से काम करता है। ये आपका या मेरा लेना देना है नहीं, फुल्ली ऑटोमेटिक है और कोई इतना बड़ा मसला नहीं है इसको बनाने में। अब जो ट्रांजिशन वाला हिस्सा है वहाँ पे जाके, जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, जो मेरे इंट्रो में यूज़ है, वो ये स्ट्रॉम्ब है। अगर आपने इस तरीके का चाहिए साउंड तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, वरना ट्रांजिशन, सॉरी साउंड बोल दिया, वरना मर्जी है। अब क्या है कि सब में एक एक बार लगाना है, तो उसका एक शॉर्टकट तरीका ये है कि आप उस पर जाओ जो आपने लगाया था, पहले अप्लाई ऑल करो, ये देखो सब पे लग गया। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट काम, देख रहे हो वीडियो की लेंथ कितनी हो रही है, मतलब ट्रांजिशन इफेक्ट कम आ रहा है। नाउ व्हाट यू डू कि हर इमेज के सेंटर में जाके इनको छोटा कर लो, जैसे मैं कर रहा हूँ,
इनको छोटा करो, स्प्लिट पे कर क्लिक करके इनको स्प्लिट करो और डिलीट कर दो, स्प्लिट पे क्लिक करो और डिलीट कर दो। काइन मास्टर में क्या कहते थे, ट्रिम कर देते थे तो वो एक ही बारी में हो जाता था, लेकिन इसमें ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। और ये एक बेस्ट तरीका भी है, आपको अंदाज़ा हो जाता है कि कितना हिस्सा आपने डिलीट कर दिया है। ठीक है, एक एक इमेज को जितनी आपने इमेजेस यूज़ किए उतनी इमेजेस करो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ 7 से 8 इमेज करना, इससे ज़्यादा मत करना, इससे कम बेशक कर लेना, ज़्यादा मत करना, क्योंकि वो फिर दर से बात है जितनी इमेजेस होंगी उतनी अलाइनमेंट होगी, उतनी अलाइनमेंट होंगी और उतना काम होगा। तो आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा, समझ नहीं भी आ रहा होगा कॉमेंट के अंदर आओ बताओ, टेंशन वाली क्या बात है, रिलैक्स होकर बताओ। अच्छा, इसको जूम इन जूम आउट करके भी देख सकते हो, कर सकते हो कि यार कहीं प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। मुझे अभी भी लग रहा है कि इन इमेजेस में थोड़ा सा मसला था, मैं इनको भी क्रॉप कर लेता हूँ। और ये देखो, अब वो दो ट्रांजिशन करीब हैं, ये ट्रांजिशन दूर हैं, ये तो पहला वाला तो इतना बड़ा ही रहेगा जो ऑटोमेटिक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आ रहा है, ये देखो ज़्यादा इमेज आई जोकर वाली, तो इसको भी अब थोड़ा सा स्प्लिट कर लेते हैं ताकि टेंशन ना हो। सेलेक्ट ही नहीं हो रहा हो गया। अभी मुझे थोड़ा बहुत सही लग रहा है, लेकिन अभी देख लेते हैं चला के। एंड वाली इमेज जो है ना, ये बड़ी काम की इमेज है, मतलब इसको ऐसा दिखाना है कि लाइक मैं एंड में जाते जाते एक आउट्रो अच्छा है, क्योंकि इंट्रो का भी एक आउट्रो होगा जो अच्छा होगा। अब इसको चला के देख लेते हैं ताकि पता चल जाए, ये बाउंसिंग ये अच्छा है। तो वही स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक बार प्रॉपर देख लेते हैं ताकि ये चीज़ क्लियर हो जाए कि किसी तरीके का इश्यू तो नहीं है इंट्रो में। ये हो गया कंप्लीट। अच्छा, मैं सिर्फ एक आइडिया शेयर कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट आप लोगों को दे दिया, अब आप उस हिसाब से अपने उसका बनाओ। पर अब नेक्स्ट चीज़ है टेक्स्ट, टेक्स्ट में जाके अंतोनोमी क्रिएशंस मेरे चैनल का नाम है, अगर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना और पुराने हो तो लव यू। यहाँ लिखो अंतोनोमी क्रिएशंस, मतलब आपने जो लिखना है वो लिखो, और सबसे नीचे जाके यहाँ पर सबसे बड़ा गेम होता है एनिमेशन का, तो एनिमेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो एनिमेशन यूज़ करना, वही मैंने अपने इसमें यूज़ किए हुए। ठीक है, और दूसरा गेम होता है फॉन्ट का, फॉन्ट इधर ढूंढना पड़ता है। अब देखते हैं हमारे हिसाब से, हमारे लिहाज से कौन सा फॉन्ट अच्छा होना चाहिए, तो वो फॉन्ट हम ढूंढते हैं, सेलेक्ट करते हैं और वो लगा देंगे इस पर। ये माइट भी सही है, लेकिन इसमें पहले आउटलाइन डाल के देखो, ये अच्छा लग भी रहा है नहीं लग रहा, ये मुझे थोड़ा बहुत ऑकवर्ड लग रहा है, लेकिन जान दो मज़ा नहीं आ रहा है इस फॉन्ट में, इसको चेंज करना है। इस पर क्लिक किया, वापस स्टाइल पे जाके इसको चेंज कर लेना। स्टाइल कहाँ चला गया, ये रहा, अपने यहाँ जाके फॉन्ट चेंज कर लेना अपने अकॉर्डिंग जो आपको समझ आए। मुझे वो समझ नहीं आ रहा तो मैं इधर चेक कर रहा हूँ मल्टीपल, जो भी मुझे सही लगेगा उस पर मैं रुक जाऊँगा। ये फॉन्ट सही, इस फॉन्ट पे आप रुक जाओ। और इसकी जो ओपेसिटी है ना, जो ट्रांजिशन स्पीड है, इसको फुल कर देना ताकि ये एक ब्लूइंग इफेक्ट में है। और इसको अब थोड़ा आगे से मेरा फॉन्ट आ रहा है, ये देखो प्रॉपर हो गया। अब इसकी फीड एक साथ चलती है, एंड में जाके जो आपकी इमेज है उसको भी देख लेना, स्प्लिट कर लेना, ऐसा ना ये टेक्स्ट ज़्यादा रह जाए, इमेजेस खत्म हो जाए, तो वो इंटर के बाद ना सिर्फ टेक्स्ट हो रहा होगा। अब प्रॉपर चला के देखते हैं, तो हमारे काफ़ी सारे इसमें काम हो चुके हैं अभी तक, वीडियो बिल्कुल सही लग रही है मुझे। अभी भी ये देख रहे हो ये वाला हिस्सा, ये फिर भी बड़ा है, इसको भी डिलीट करो। अच्छा, कभी सिलेक्ट ना हो ना तो साइज़ इंक्रीज डिक्रीज कर लेना टू फिंगर का यूज़ करके, तो टेंशन नहीं है इसमें। एक एक इमेज को प्रॉपर देखेंगे ताकि वो टाइम कंज्यूम हो जाए, मैंने कम से कम 9 से 10 सेकंड का इसको बनाना है। ये मेरा ऑलमोस्ट बन गया ना, हम एक काम करते हैं, अब पूरा चेक कर लिया इसको, तो अब हम इसमें अपना साउंड डाल लेते हैं ताकि थोड़ा और अच्छा लग जाए। लेकिन उससे पहले काम करो, आई थिंक सो कि हम फिल्टर यूज़ कर लें तो ज़्यादा बेहतर नहीं, तो पहले फ़िल्टर पर जाके, सबसे पहले मूवी का एक फ़िल्टर है, इसको आप सेलेक्ट करो, इसको पूरा करके छोड़ दो। अब देखो पूरा मैंने सेलेक्ट कर लिया, सारी चीज़ें हो गई, ताकि ये जब बनकर आए ना तो HDR में आए, HDR हो, हाई क्वालिटी हो, और मतलब एक अच्छा लुक भी लगे ना यार,
पिक्चर में एडिटिंग हुई हुई होगी, अलग इंट्रो में भी होनी चाहिए। अब डालेंगे साउंड, साउंड पर क्लिक किया, ये फोल्डर बना हुआ है थ्री स्ट्राइप, यहाँ पे सारे जो पॉपुलर साउंड्स होते हैं ना उनको आप यूज़ कर लो। मेरा जो फेवरेट है पर्सनली यही है नाउ योर आइस वाला, तो मैं इसको यूज़ करता हूँ। अब इसमें आवाज़ इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मैं अलग से वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो ये आवाज़ म्यूटेड है, तो वो सब कुछ ही म्यूट हुआ हुआ है। मुझे उम्मीद है आप लोग ये बात मेरी समझोगे और इसको सही से करोगे। अब बस कोने पे जाके इसको स्प्लिट कर लेना ताकि टेंशन खत्म हो जाए, और चेक कर लेना एक दफ़ा शुरू से लेकर एंड तक। अब करते हैं एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट कैसे करनी है तो मैं आपको बताता हूँ। तो आपने जो ऊपर कोने पे एरो है उस पर क्लिक करना है, लेकिन उससे पहले ये जो 180p लिखा हो ना इसको 4K पे करके और फ्रेम रेट हाई कर दो, क्योंकि यूट्यूब जो है ना कंप्रेस कर देता है इसलिए। और सिंपल डॉट पे उस पर एरो पे क्लिक करके इसको एक्सपोर्ट। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को मेरा सारा कंटेंट समझ आ गया होगा, किस क्या क्या स्टेप हैं, कैसे कैसे काम करना है, क्या क्या चीज़ें मैंने यूज़ की थी, A to Z आपको सब समझ आ गया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ 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 प्रेस द बेल आइकन, और दोस्तों में भी शेयर कर दो यार, ताकि अगर कोई नया चैनल बना रहा है तो उसे इंट्रो बनाने में आसानी हो जाए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।